हेलो गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इजी मेकअप लुक। दिवाली या कोई फेस्टिवल पर मेकअप कैसे कर सकते हैं, ये मेकअप बहुत इजी है और मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करके बहुत ही नेचुरल ग्लोइंग मेकअप करना बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे लक्मे का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसे अपने पूरे फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। देन मैं यहाँ पे लेक्मी मूस फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये बहुत नेचुरल सा ग्लोइंग लुक देता है। मैं यहाँ पे बहुत लाइट वेट फाउंडेशन का यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कंसीलर का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये दिवाली मेकअप लुक है। मैं इसे बहुत नेचुरल लुक दे रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी टूल्स का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ओनली फिंगर का ही यूज कर रही हूँ। मेरा बेस यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है। देन अब मैं लेक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट है आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरा कॉम्पैक्ट यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। देन अब मैं यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का आई शेडो पैलेट यूज करूँगी। मैं यहाँ पे गोल्डन और येलो शिमर कलर यूज कर रही हूँ। मैं अपनी फिंगर पे लेकर इसे मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी टूल्स का यूज नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे आईज पे सेट हो चुका है। देन अब मैं अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी। येलो के साथ मुझे ब्लैक ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लैक कलर ही अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई और भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसे हल्के हाथों से ही ब्लेंड करें। देन अब मैं यहाँ पे लेकमी का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, अगर आपको मेरा मेकअप ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस मेकअप ट्रिक को शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो के कुछ ट्रिक लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। देन अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। आप ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई ब्रांड का ही यूज करें। मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया है। आईब्रो पेंसिल में जो ब्रश दिया है मैं उसकी हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देन अब मैं यहाँ उसी पैलेट से जो सिमरी शेड है उसे लेकर मैं हाईलाइट करूंगी। अब मैं अपने ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी। देन अब मैं उसी पैलेट से ब्लशर भी यूज कर रही हूँ। मैं इसे अपने चिक बोन पे ब्लशर को अप्लाई करूंगी। मैं इसे अपने फिंगर की ही हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। इसे हल्के हाथों से ही ब्लेंड करें। मैं यहाँ कोई टूल्स का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं अपने फिंगर की ही हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप ऐसे पैलेट को चूज करिए जिसमें ब्लशर, हाइलाइटर, आई शेडो सारे काम हो जाएं। देन अब मैं यहाँ अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। मैं उसी पैलेट से अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। मैं अपने चिक एरिया पे हाईलाइट को अप्लाई कर रही हूँ एंड अपने टी जोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। देन अब मैं आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसे अपने फिंगर से ब्लेंड कर दूंगी। देन अब मैं यहाँ अपने लोअर लैश लाइन पे आईब्रो पेंसिल का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देन मैं यहाँ लेकमी का 403 नंबर शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले आउटलाइन क्रिएट कर दूंगी जिससे लिप शेड अच्छे से फिल हो जाए। देन अब मेरा यहाँ लिप शेड अच्छे से फिल हो चुका है। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ लेकमी का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा मेरी लैश को थिक बना देता है। मैं इसे धीरे धीरे अपनी लैश पर रब कर लूंगी तो मेरी लेस ब्लैक हो जाएगी, तो इससे मेरी आईज और भी प्यारी दिखेगी। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देन मैं यहाँ बहुत सिंपल तरीके से हेयर स्टाइल बना रही हूँ। देन ये रहा मेरा इजी और सिंपल तरीके से हेयर स्टाइल। आई होप आप लोगों को आज का ये मेरा लुक पसंद आया होगा। तो गाइस, देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको सारे स्टेप बताए। आपको इनको फॉलो करना है
और 100% आपको आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ट्रिक रोजाना लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।